अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। संत खेमा भी राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर बटा हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अपने पूरे चरम पर हैं। बीजेपी मंदिर के समारोह को पूरी तरह से राजनीति रंग में रंग कर आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है। शायद यही वजह है कि एक सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी दशकों के सांप्रदायिक विवाद के बाद बने मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने को लेकर अब उनकी पार्टी के नेताओं से लेकर बड़े बड़े साधु संत तक विरोध करने में लग गए हैं। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत नहीं करेंगे। शंकराचार्य निश्चलानंद ने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भगवान की मूर्ति को स्पर्श करने पर एतराज है। शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि मोदी भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करें और वो वहाँ खड़े होकर ताली बजाएं, ये मर्यादा के खिलाफ होगा। इधर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और बजरंग दल के संस्थापक विनय कटियार ने भी कहा है कि राम मंदिर का श्रेय किसी एक शख्स को नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा रहे हैं। कुछ लोग बाद में जुड़ गए। विनय कटियार ने राम मंदिर निर्माण को लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और VHP कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा बताया। आपको बता दें कि शंकराचार्य निश्चलानंद 2 दिन के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने रतलाम पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसीलिए उन्होंने कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। शंकराचार्य निश्चलानंद ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा रामलला की मूर्ति को स्पर्श करना ही मर्यादा के खिलाफ है। ऐसे में वो मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा के उल्लंघन के साक्षी नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अनुसार होनी चाहिए। शंकराचार्य निश्चलानंद ने बताया कि उन्हें आमंत्रण मिला है जिस पर लिखा है कि वो एक ही व्यक्ति के साथ आयोजन में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जिस तरह से राजनीति हो रही है वो ठीक नहीं है। निश्चलानंद ने धार्मिक स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज धर्म स्थलों को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है, उन्हें भोग विलासिता की चीजों से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। दरअसल पीएम मोदी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने हाथों से ही रामलला की मूर्ति को सिंहासन पर विराजमान कराएंगे। शंकराचार्य निश्चलानंद ने ट्रस्ट के इसी फैसले को लेकर विरोध जताया है। शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए एक और विवादित बात कह डाली। उन्होंने कहा कि योगी और मोदी अभी तो खुश हैं, लेकिन कालांतर में यूपी में 3 मिनी पाकिस्तान बन जाएंगे। अयोध्या की तरह काशी और मथुरा में भी मस्जिद बनेगी। इधर संत समाज से ही शंकराचार्य के बयान का विरोध भी हो रहा है। उज्जैन अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राम मंदिर बन गया है, सभी सनातनियों में खुशी की लहर है, कुछ नालायक सनातनी ही इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि शंकराचार्य निश्चलानंद अकेले नहीं हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के मूर्ति अनावरण का विरोध कर रहे हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे साधु संत मोदी जी के हाथों राम मंदिर उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी जिस जाति वर्ग से आते हैं उसे हिंदू धर्म में मौजूदा वर्ण व्यवस्था के अनुसार बड़े धार्मिक आयोजन या फिर पूजा के लिए निम्न समझा जाता है। ऐसे में पीएम मोदी के हाथों रामलला की मूर्ति स्थापना को कई साधु संत सनातन धर्म की मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं।